अभी वो जो एक हमारा कुछ अर्से पहले डिसीजन हुआ था कि जी कुरान हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, बहुत अच्छी बात है। मेरे आपके जैसे लोग शायद उसको सराहेंगे। आप मुझे, आपको लगता है कि इस वक्त लाहौर की बात कर लें, इतने कुरान पढ़ाने वाले ऐसे मौजूद हैं जिनसे यूथ रिलेट कर पाए? देयर इज अ डर्थ ऑफ दीज पीपल इज वेल, जो अवाम में, लोगों में जो है ना, क्या कहते हैं, बैठ सकें, समझ सकें, ये वो। बट आई थिंक द डे एंड एज दैट वी लिविंग इन, बात शायद दूसरे तरह की है कि फिर वो दौर है कि हम बच्चों को अपने साथ लें और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जैसे कहते हैं ना, जल्दी जल्दी दें और सब कुछ करें, एंड गिरेंगे, सीखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। बट दीनदार शख्स का इतना बड़ा दिल और दर्फ होना चाहिए कि यार यू आर ऑल इन दिस, क्या कहते हैं, जो है ना, विद अस टुगेदर। आई थिंक मैं और आप ये बहुत अच्छी तरह बात समझते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद द यूथ यू टेंड टू रियलाइज कि यार क्या बात कैसे है, कैसे नहीं है, क्या पार्ट उसमें हुआ है नहीं है। एंड तनकीद से मत घबराएं, तनकीद को पॉजिटिवली लें, बिकॉज आई थिंक तनकीद हमें वो जो हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो रहा होता है ना, कब अज कब उस पर रोकती है। ठीक है, बाकी तनकीद तो हर जगह हर मौके पे हमेशा रहेगी, बिल्कुल तो उसके साथ, बिल्कुल तो वो वाली चीज़ है। मैं बस लास्टली ये चाहूँगा कि आप भी बताएं टीनेजर्स को ख़ास एक मैसेज अपना कि व्हाट डिड यू लर्न। मैं अपनी लर्निंग्स कुछ बताता हूँ, तब तक इंशाल्लाह आप भी इस पर सोचें। मैं हमेशा, अरसलान भाई, तीन चीज़ें मैंने इसका एक IRP फार्मूला भी बनाया हुआ है। पी इज़ फॉर परसेप्शन, पहले मैं पी को एक्सप्लेन कर लूँ कि देखो, परसेप्शन बनाना सीखो। मैनी अ टाइम्स हमारी परसेप्शन गलत होती है चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारी रिसर्च बहुत जो है वो वीक है। वी डोंट रियलाइज के लोग, अगर जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी इज़ फॉलोइंग समथिंग, तो डजेंट मीन के वो चीज़ ऑथेंटिक है या वो चीज़ राइट है। हैव योर ओन परसेप्शन अबाउट थिंग्स एंड टेक दैट फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। वो तो आपका मसला ही हल कर दिया कुरान एंड सुन्ना ने। तो इसमें वीकनेस की वजह से हम गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, गलत साइड पर ले जाते हैं, गलत रोल मॉडल्स बना लेते हैं, परसेप्शन ही सही नहीं है, हमारी पर्पज़ ऑफ लाइफ क्लियर नहीं है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। आइज़ फॉर इंटेंशन, वट एवर यू डू प्लीज़ कीप सीइंग, कीप रिवाइजिंग योर इंटेंशन, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एंड ऑलवेज कीप अल्लाह प्लेजर एट द टॉप। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट। क्या मतलब, थोड़ा सा आपने अपने आप को वेकअप कॉल देनी है, रिवाइज कराना है कि यार इफ़ आई डू दिस थिंग क्या मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। यू कैन सपोर्ट हु एवर यू वॉन्ट, बट उस सपोर्ट के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है? इज़ दैट ऑल के बस सारे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, या कोई आपकी को ह्यूमन वैल्यू को लेके आप कोई अच्छी इंटेंशन बना रहे हैं, या अल्लाह ताला को प्लेजर, ये तो टॉप पर आपका जो है वो होना चाहिए। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग आई ऑलवेज एडवाइज देम कि प्लीज़ अपनी इंटेंशन जो है वो आप देखते रहो। और आर से जो है अरसलान भाई, इट इज़ रिफ्लेक्शन। आई ऑलवेज टेल देम कि प्लीज़ वेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग, टेक सम डिसीजन, स्टॉप, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, रिफ्लेक्ट, टाइम लो। बेसब्री टीनेज का एक, मैं समझता हूँ, एट्रीब्यूट है, लेकिन नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई कह रहे जी कि नहीं जी ये तो आप साइकोलॉजिकली ये ऐसे ही होता है या बायोलॉजिकली ऐसे होता है, नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए बहाना, आप बड़े हो गए हो। नाउ यू शुड लर्न टू रिफ्लेक्ट। आप कुछ कहने लगे हो, रिफ्लेक्ट करो कि यार ये क्या ज़रूरत है मेरी, पहले इतने गंदे मजाक हो रहे हैं, क्या मेरी एक ज़रूरत है कि मैं भी कोई कमेंट मार दूं? यानी टीचर पढ़ा रहा है तो ज़रूरी है कि मैंने भी कोई कमेंट मारना, क्या हो जाएगा उससे? ज़्यादा से ज़्यादा तालियां बज जाएंगी, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो आपको नहीं होगा। तो ट्राई टू रिफ्लेक्ट, लर्न दिस रिफ्लेक्शन। इस्लाम ने तदब्बुर, तफक्कुर, आपको पता है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत रखी, एंड दैट्स वाई वंस अगेन मैं कहूँगा कि माशाल्लाह द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, वी आर डूइंग, इसकी इतनी ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को आप ऐसी गैदरिंग्स में ले जाओ कि यार जिक्र करवाओ, उन्हें कहो देखो सीखो, जिक्र खामोशी से होता है, तुम्हें रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, नमाज के बाद थोड़ा बैठो, वहाँ बैठ के जिक्र करो, इस्तगफार करो, अल्लाह से बातें करो, निकलो ये मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से, इसको घर छोड़ के जाया करो जब मसाजिद में जाते हो। तो ये तीन चीज़ें, इंटेंशन, रिफ्लेक्शन एंड परसेप्शन। व्हाट अबाउट यू? माशाल्लाह, इज अमेजिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेमवर्क। आई वुड से दैट अल्लाह ताला बच्चों को ये समझने की तौफीक अता फरमाए। शेख, व्हाट कम्स टू माय माइंड इज समथिंग दैट आई डू टेल पीपल एज वेल इज द फैक्ट के एक आई थिंक पीपल हैव टू इवन टेक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट कि आई थिंक अगर
सारे इस पॉडकास्ट की, कोई भी जो सेशन बयान कोई भी स्कॉलर कर रहा होता है, अगर सारी बातें हम मान जाएं तो बड़ा परफेक्ट सा बंदा क्रिएट हो जाए। आई थिंक वो परफेक्शन ना आप में है ना मेरे में, ना उस परफेक्शन का तकाजा हमसे उस सतह पे किया गया। बट ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग तो यू वांट टू टॉक अबाउट द बेस्ट। तो क्योंकि कभी लोग उसको ना बहुत हैवीली लेते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इतने नेक हम कैसे हो सकते हैं। नेक इतना शायद कोई भी नहीं है, बट इट्स अबाउट द एफर्ट, राइट। सो मैं एक हदीस कोट करूंगा, फिर मैं दूसरी बस वो नसीहत करूंगा कि वो जो हदीस है ना जिसका मफहूम यूँ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक हदीस ये कि कुल्लू बनी आदम खताउन, ठीक है, दैट एवरी सन ऑफ आदम इज़ अ सिनर व खैरुल खताउन अत्तवाबून, के बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह ताला से तौबा करता है। सो व्हेन अल्लाह इज़ सेइंग दैट एवरीबॉडी इज़ अ सिनर, दैट एक्चुअली मीन्स कि ये कोई मुहावरतन बात नहीं की जा रही, इट्स अ रियलिटी अबाउट हाउ वी वर क्रिएटेड, दैट हम सब गलतियाँ करेंगे। बिल्कुल ठीक। वो गलतियाँ यूथ में डिफरेंट हैं, एडोलेसेंस में डिफरेंट हैं, मेरी आपकी एज में डिफरेंट हैं, बुढ़ापे में डिफरेंट हैं। और वो गलतियाँ क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज अगर वो गलती ना हो तो मैं और आप मुतकब्बिर हो जाएंगे, ठीक है। एंड तकब्बुर की प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह से वो कनेक्शन टूट जाता है। तो अल्लाह जो कह रहे हैं ना खैर अल खत्ताउन अत्तवाबून, तो वो तौबा एक्चुअली अल्लाह से बातें करना है, जबरदस्त, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव टू रिमेंबर कि नो मैटर व्हाट यू हैव डन एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, और तुम कितने अरसे बाद लौट रहे हो या तुम कितनी दफ़ा बाद के रिपीट सिनर हो, अल्लाह सुबहाना व तआला का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। एंड अगर इस बिकॉज लेकिन हमारी साइकी नेगेटिवली प्ले करती है, शैतान ऐड करता है, तो जब आपको लगे ना कि नहीं यार मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, एंड शायद आप किसी स्कॉलर को भी नहीं अप्रोच कर सकते, आप सिर्फ किताब तौबा पढ़ लें किसी की जो है ना अल्लाह के नबी की हदीस की उसे, एंड यू विल फाइंड कि वो अहादीस जो तौबा पे हैं वो इतनी उम्मीद देती हैं इंसान को, एंड उसमें कोई फिकी चीज़ नहीं। सही। यू जस्ट हैव टू रीड व्हाट द प्रॉफिट इज सेइंग, एंड वो ऊँटनी वाली हदीस भी है, वो इतना तरीके से अल्लाह के नबी समझाए। तो अगर उसके बाद भी हमें शक है ना कि अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसमें गिरते खड़े होते, अल्लाह की मारिफत एक यही है कि अल्लाह ताला को बस ये बात पसंद है। जबरदस्त। सो आई वुड जस्ट से टू द यूथ कि हम समझते हैं ये सारी की सारी बात कि आपका ज़माना मुश्किल है, आपकी चीज़ें मुश्किल है, तो अगर मैं और आप ह्यूमन लेवल पे समझ सकते हैं तो अल्लाह नहीं समझते ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एवरी थिंग पॉइंट्स टू द फैक्ट कि सिर्फ मायूस नहीं होना, राइट। एंड हम आज बस मायूस हो बैठे कि हमारे लिए रास्ता नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम की वो अहदीस पढ़े और बार बार पढ़ते रहे, उसको पीडीएफ में सेव कर लें, फोन पे सेव कर लें, बहुत सारा दीन नया नहीं ईजाद हो रहा होता, वो रिपीट ही है, बट हर दफा अल्लाह उसकी तासीर बदल देता है। मगर मैं हर बयान में देखूं तो चीज़ें तो मोर और लेस एक ही जैसी हैं, बट कभी मुझे हिट डिफरेंट, तो बस वो चीज़ हाथ पे रखें कि मैंने कभी गिव अप नहीं करना, नो मैटर हाउ वर्स ऑफ आई एम, कि एटलीस्ट कल क़यामत के दिन अल्लाह को हम ये कह सकें कि अल्लाह ताला ट्राई किया था। सुभान अल्लाह, वेरी पावरफुल जी, जज़ाकअल्लाह। और मुझे आपकी एक और बात बड़ी पावरफुल, बड़ी अच्छी लगी कि देखो डोंट वेट टू बिकम परफेक्ट। ये होता है ना कि मैं ये भी छोड़ूं, ये भी छोड़ूं, ये भी छोड़ूं, फिर मैं दीन पे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। भाई स्टार्ट एक्टिंग राइट नाउ, नमाज तो शुरू करो ना, वुजू करो, उठो, इसमें क्या इतनी तुम्हें प्रॉब्लम है, कितने मिनट लग जाएंगे, गो टू अल्लाह, दो पढ़ रहे हो, तीन पढ़ रहे हो, नेवर गिव अप, जैसे इमाम शाफी ने कहा था, रन इफ़ यू कैन रन टूवर्ड्स अल्लाह, वॉक इफ़ यू कैन वॉक टूवर्ड्स अल्लाह, क्रॉल भी करके जाना पड़े तो क्रॉल करके जाओ, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह सुभान व तआला। सो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा अरसलान भाई, इंशाल्लाह। लाइकवाइज आई थिंक आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। अल्लाह ताला आपके काम में, आपकी एफर्ट्स में बहुत सारी बरकत दिलाए, और अल्लाह ताला बहुत सारे नौजवानों को आपसे और आपके जरिए से अल्लाह ताला से कनेक्ट होने की तौफीक अता करे। आपके अभी माशाल्लाह नौजवान बताते रहते हैं, दे आर वेरी इंस्पायर्ड माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ऐसे ही टीचर्स दे हमारे नौजवानों को, कंसर्नड, एम्पैथेटिक, एंड माशाल्लाह जेन्युइन इंटरेस्ट है उनका, यूथ करेक्ट कर लें अपने आप को, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।